हेलो दोस्तों, स्टडी फन क्लब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश में एक फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया है, उसमें कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, तो हम उसके आगे आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ तक मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, तो हम अब इसके आगे शुरू करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है नन। किसी भी सेंटेंस में नन सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है तो नन के बाद में हमारा जो वर्ब होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों आता है। नन सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है तो वर्ब हमारे सिंगुलर और प्लूरल दोनों आ सकती है। फिर यहाँ दिया हुआ है नन ऑफ दी। नन ऑफ दी, नन ऑफ दी के बाद में नाउन जो है, अगर हमारा नाउन काउंटेबल है तो नाउन जो होगा वो प्लूरल आएगा, और अगर अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर आएगा, क्योंकि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनका प्लूरल नहीं होता है। तो नन ऑफ दी के बाद में नाउन अगर काउंटेबल है तो प्लूरल आएगा, और वर्ब हमारे सिंगुलर और प्लूरल दोनों आती है। अगर नाउन काउंटेबल है तो वर्ब हमारी सिंगुलर और प्लूरल दोनों आएगी। नन ऑफ दी के बाद में अगर हमारा जो नाउन है वो अन तो वो सिंगुलर होगा और वर्ब हमारे सिंगुलर हो जाएगी। फिर यहाँ पे दिया हुआ है ईच एवरी इधर नीदर। ईच एवरी इधर नीदर, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज हुए हैं तो ये सिंगुलर होते हैं। ये सिंगुलर होंगे तो हमारा नाउन भी आगे सिंगुलर होगा, वर्ब हमारे सिंगुलर हो जाएगी और प्रोनाउन भी हमारा सिंगुलर हो जाएगा। ईच, जैसे ईच स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं होगा, एवरी स्टूडेंट होगा, सिंगुलर होगा, इसके बाद नाउन हमारा सिंगुलर आएगा। ईच एवरी इधर नीदर, इनके बाद में हमारा नाउन जो होगा वो सिंगुलर होगा, वर्ब सिंगुलर होगी और हमारा प्रोनाउन भी सिंगुलर हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिया हुआ है सॉरी माफ करिएगा, ईच के बाद में हमारा जो नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा, जैसे ईच टीचर। अभी मैंने आपको बताया ईच एवरी इधर नीधर, इनके बाद में सिंगुलर आएगा। ईच टीचर, ये जो है हमारा सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा। इसी प्रकार ईच टीचर एंड स्टूडेंट्स। अगर यहाँ पे सिर्फ इतना दिया होता है कि टीचर एंड स्टूडेंट तो हम इसे प्लूरल मान लेते, ये हमारा प्लूरल होता है, इनके बाद में वर्ब हमारी प्लूरल आती। लेकिन इनके पहले ईच दिया हुआ है तो ये हमारा जो जितना सेंटेंस दिया हुआ है टीचर एंड स्टूडेंट्स, ये हमारा सिंगुलर हो जाएगा, इनके बाद वर्ब हमारी सिंगुलर आएगी और प्रोनाउन भी सिंगुलर आ जाएगा। फिर यहाँ पे दिया हुआ है ईच टीचर एंड ईच स्टूडेंट। ईच टीचर एंड, यहाँ पे दिया हुआ है ईच टीचर एंड ईच स्टूडेंट, ये हमारा सिंगुलर हो जाएगा, इनके बाद में हमारी वर्ब सिंगुलर आ जाएगी और हमारा प्रोनाउन भी सिंगुलर आ जाएगा। फिर यहाँ पे दिया हुआ है अगर ये ईच टीचर के बाद में है तो ये जो दिया हुआ है दी टीचर्स, इनके बाद में ईच आया तो ये हमारा जो होगा वो प्लूरल हो जाएगा, और इनके बाद में हमारी वर्ब प्लूरल हो जाएगी तो प्रोनाउन भी प्लूरल हो जाएगा। फिर दिया हुआ है ऐसे ही दी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ईच, फिर इनके बाद में दिया हुआ है ईच। ईच जो है बाद में यूज होगा तो वर्ब हमारी प्लूरल हो जाएगी और प्रोनाउन भी हमारा प्लूरल हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिया हुआ है ईच ऑफ दी, एनी वन ऑफ दी, सम वन ऑफ दी, वन ऑफ दी, इनके बाद में जो हमारा नाउन होगा वो प्लूरल होगा, वर्ब हमारी सिंगुलर हो जाएगी, क्योंकि ईच एवरीवन सॉरी एनीवन समवन वन, ईच एनीवन समवन वन, ये हमारा सिंगुलर है तो वर्ब हमारी सिंगुलर हो जाएगी और प्रोनाउन भी हमारा सिंगुलर हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिया हुआ है नो वन ऑफ दी, वन
ऑफ द नाउन अगर काउंटेबल है तो प्लूरल आएगा, काउंटेबल है तो सिंगुलर आ जाएगा. नो वन ऑफ द नाउन काउंटेबल तो प्लूरल, वर्ब हमारे सिंगुलर क्योंकि नो वन दिया हुआ है, ये सिंगुलर है, वर्ब हमारे सिंगुलर और प्रोनाउन भी हमारा सिंगुलर आ जाएगा. फिर यहाँ पे है सम ऑफ द, सम ऑफ द नाउन अगर काउंटेबल है तो प्लूरल होगा और अगर अनकाउंटेबल है तो हमारा सिंगुलर होगा. यहाँ पे सम की बात हो रही है तो सम जो होता है वो प्लूरल होता है सम. लेकिन इनके बाद में जो नाउन है वो अनकाउंटेबल है तो वो तो हमारा प्लूरल नहीं हो सकता. तो जब ये अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर होगा, जब हमारा नाउन सिंगुलर हो जाएगा तो ये भी जो सम दिया हुआ है ये सिंगुलर होगा. तो यहाँ पे जब सम ऑफ दी के बाद में नाउन जो काउंटेबल होगा तो प्लूरल होगा, तो हमारी वर्ब प्लूरल हो जाएगी और प्रोनाउन भी प्लूरल हो जाएगा. सम ऑफ दी के बाद में अगर अनकाउंटेबल आता है नाउन तो सिंगुलर होगा, वर्ब हमारी सिंगुलर हो जाएगी, प्रोनाउन हमारा सिंगुलर हो जाएगा. फिर यहाँ पे दिया हुआ है इधर ऑफ दी निधर ऑफ दी, इधर ऑफ और निधर ऑफ दोनों के बाद में नाउन जो आता है वो प्लूरल आता है. यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इधर और निधर ये दोनों सिर्फ दो के लिए यूज़ होते हैं, जो हमारा नाउन होगा वो दो होगा, दो सब्जेक्ट. यहाँ पे अगर ज़्यादा की बात होती है, दो से ज़्यादा की बात होती है तो यहाँ पे हमारा इधर और निधर नहीं लगता है. तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिएगा. इधर ऑफ, इधर ऑफ दी किसी सेंटेंस में आते हैं तो ये दो नाउन के लिए यूज़ होंगे. ध्यान रखिएगा कि उस सेंटेंस में नाउन हमारा दो होना चाहिए और वर्ब हमारे सिंगुलर आ जाएगी, क्योंकि इधर और निधर जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं और हमारा जो प्रोनाउन होगा वो भी सिंगुलर आ जाएगा. तो यहाँ पे एक लास्ट बचा हुआ है, यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, डोमिनेटेड बाय, विद, अलोंग विद, टुगेदर, टुगेदर विद, एज वेल एज, एंड नॉट, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, इन एडिशन टू, रेदर दैन, बट, लाइक, अनलाइक, besides, except, accompanied by, headed by, guided by, governed by, controlled by, led by, run by, कोई भी मतलब किसी सेंटेंस में हमारा जो दो सब्जेक्ट अगर इन शब्दों से जुड़े हुए हैं तो हमारी जो वर्ब आएगी वो हमेशा सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग आएगी. यहाँ पे सब्जेक्ट वन, यहाँ पे सब्जेक्ट टू, यहाँ पे सब्जेक्ट टू, और इनके बीच में इसमें से कोई भी वर्ड अगर आ जाता है तो इनके बाद में जो हमारी वर्ब आएगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी. एक बार फिर से बता देते हैं इस चीज़ को, डोमिनेटेड बाय, विद, अलोंग विद, टुगेदर, टुगेदर विद, एज वेल एज, एंड नॉट, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, इन एडिशन टू, रेदर दैन, बट, लाइक, unlike, besides, except, accompanied by, headed by, guided by, governed by, controlled by, led by, run by. इनके बाद इनसे अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो इनके बाद जो हमारी वर्ब आएगी वो वन के अकॉर्डिंग आएगी, जो पहला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आएगी. तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी. बुक्स की लैंग्वेज जल्दी समझ में नहीं आती है तो मैं इसे अपने नोट्स के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ. उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको पसंद आएगा. वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें. धन्यवाद.